बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे हैं। मैं आ गई हूँ आपकी सोनम, और कुछ बातें आपसे करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और अगर कोई आपकी बड़ी दीदी, उनके बेबी है या कुछ भी है, किसी के पास बेबी है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। सो मैं अपनी बात करूँ, एज यू नो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ, और कैसा मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो मैंने फेस की हुई होती है और जिसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सबको पता है ये चीज़। तो शुरू करते हैं, और आज का वीडियो होने वाला है ये कि बच्चे, जिनके बच्चे खाना छोड़ देते हैं और हमें नहीं पता रहता कि हम क्या करें, हम पैनिक हो जाते हैं, सोचते हैं ठीक है, सो रहा है, हुआ क्या एक्चुअली, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जब मेरा बड़ा वाला बेटा करीब से 1 साल का हुआ था, और उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं थी ये सारी चीजें, तो वो उसने खाना छोड़ दिया था। और खाना आप ये सोच लो, 6-7 दिन उसने बिल्कुल नहीं खाया, लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं था। सोचा फीड करता है तो ठीक है ना, फीड तो एटलीस्ट कर ही रहा है। ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया, फिर एक ने हमें बताया कि ये एक प्रॉब्लम है और ये आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद जब अभी सेकंड टाइम मेरा जो शिव है, छोटा वाला बेटा, उसने भी सेम काम किया, बल्कि वो अभी 10 महीने में चल रहा है, 24 को 10 महीने का हो जाएगा। तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, उसने भी खाना जो है बिल्कुल बंद कर दिया। और एकदम आप ये सोच लो, मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ और मैं बिजी हो गई थी, फीड करा रही थी मैं, वो बहुत ज्यादा सो रहा था, मुझे लग ही रहा था कि पता नहीं क्यों इतना सो रहा है। फिर मुझे लगा शायद शिफ्ट हुए हैं, नई जगह है, तो मे बी बच्चा सो रहा है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मुझे लगा रेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं गलत थी, मैं अपने काम में बिजी थी। 5-6 दिन ऐसे हो गए जब उसने बिल्कुल खाना छोड़ दिया, और मैं एकदम टेंशन से परेशान की मैं क्या करूं। ऐसे करते करते जो है 6-7 दिन निकले, फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि शायद जो मेरे बड़े वाले बेटे के साथ हुआ था, वो ये इसके साथ है। हुआ ये कि डॉक्टर्स आपको रिकमेंड नहीं करते ये दवा कि आप खिलाओ, लेकिन आपको ये खिलाना चाहिए। और मैं जो ये एडवाइस दे रही हूँ, एज अ डॉक्टर नहीं दे रही, मैं एज अ मॉम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि एक मदर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, वो मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो प्लीज इसे एज अ डॉक्टर की एडवाइस या फिर मेरे कहने पे आप ये चीज करने मत चले जाना, पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि ये करें ना करें। तो मैंने जो एक बच्चों की पेट में ना बच्चों के कीड़े हो जाते हैं, आप ये चीज गूगल पे भी चेक कर सकते हो, तो पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फिज फजी और मतलब आलस आलसी कह सकते हैं आप, सोने लग जाएंगे बहुत ज्यादा, फीड करेंगे आपका प्रॉपर, क्योंकि भूख तो लगती है उनको, लेकिन उनका खाने का मन नहीं करता। जैसे हमें भी होता है ना कि खाने का मन नहीं करता, बस हम पानी पे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इस ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन बस वो फीड करेंगे, फीड इतना करेंगे कि जो फीड कराने वाली मदर होती है वो भी परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं। तो सेम मेरे ओम के साथ भी था और शिव के साथ भी हुआ, तो दोनों ने फीड बहुत ज्यादा लिया था उस टाइम पे जब ये प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली होता क्या है, बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, और ये कीड़े क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कहते हैं कि दूध पीते पीते उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो है खाना बिल्कुल बंद करते हैं। तो एक डीवॉर्मिंग की दवा आती है शायद, वो कीड़े मारने की, कीड़े पेट में जिसके जाते हैं उसको देते हैं। और अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप फेस कर रहे हैं, या कोई और छोटा बेबी भी है जिसका, जिसको नहीं पता है, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और वो दवा आपको मेडिकल पे मिल जाएगी, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन भी ये दवा मिल जाती है, क्योंकि बहुत सेफ एंड सिक्योर दवा होती है। तो आप जाके डॉक्टर को बोलेंगे, मतलब मेडिकल पे बोलेंगे कि भाई मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, ये वाली दवा दे दो, उन्हें पता रहता है कौन सी दवा है। अकॉर्डिंग टू वेट, और एक इतनी बॉटल होती है, वो दवा आपको पूरी खिलानी होती है अपने बच्चे को। मैं बॉटल का नाम और ये सारी चीजें आपको मेंशन कर दूंगी थंबनेल में, आप वहां जाके पढ़ लेना। तो आप ये चीज गूगल पे भी देख सकते हैं, नेट पे भी देख सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया, और मेरी वीडियो ज्यादातर लोगों के हेल्प करती है, सो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, और कितने लोगों के साथ आपने शेयर किया ये भी मुझे बताना।